₹600 पर केजी जाता है ये, मतलब ₹600 पर केजी। 25 डे हो गया इसको ऐसे यहाँ पे सील बंद रहा है ऑलरेडी। हेलो दोस्तों, ये संपत सर है मेरे, इनसे इन्होंने मुझसे कुछ मशीन खरीदा था तो इनके यहाँ आया था मैं, तो इनके यहाँ सिल्क का भी बिजनेस करते हैं ये, सिल्क बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इनके यहाँ, ये सिल्क का पूरा ये प्रोडक्शन के लिए उनको खाना खिला रहे, पहले तो खाना खिलाते हैं। तो ये संपत सर बताएंगे आपके लैंग्वेज में टॉकिंग कन्नड़ा। हाँ कन्नड़ा में कैसे क्या होता है ओके हाँ चलेगा नहीं ओके है बोलते। तो ये ऐसे ये क्या करते हैं, इस पे कीड़े छोड़ देंगे, फिर ये पत्तियाँ बिछा देंगे ऐसे और उनको खाना खिलाने के लिए, मतलब ऐसी एक के ऊपर एक रोजाना ये इनका ये है, ये छोड़ देंगे। कितना 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 आवर से लिए यहाँ पे रहता है ये? 20 डेज यहाँ पे रहता है, फिर उसके बाद में वहाँ पे वो उसमें 25 डे में ये वाला ऐसी मतलब पेट फूल जाएगा इनके, और फिर उनके बाद में उधर प्रोडक्शन में चाल फिर उसके बाद में प्रोडक्शन 25 डे में ये फिर प्रोडक्शन में जाता है। तो वो प्रोडक्शन कैसे क्या होता है वो भी बताएंगे आपको वीडियो में। ये देखिए इन्होंने कैसे क्या किया सिल्क का, ये पूरा इनका फार्म है, फार्म में अच्छे से पूरा मैनेजमेंट किया है ये कीड़ों का, सिल्क का पूरा ऐसे अरेंजमेंट किया है, देख सकते हैं आप पूरा अच्छे से बहुत अच्छे से मैनेज किया इन्होंने सिल्क का। अभी ये कीड़े इधर ऐसी ये अम्मा छोड़ रहे हैं इसके ऊपर और इसमें से निकाल रहे हैं, ये 25 डे हो गया इसको। हाँ 25 डे हो गया इसको ऐसे खाने, मतलब इन खाना खाने के बाद ऐसे ये सिल्क ये पूरा ऐसी ये हो जाते हैं, इसके बाद में उनको वहाँ पे प्रोडक्शन में छोड़ देते हैं। तो देखिए अभी ये अभी नया है शायद इनका, अभी ये नया चालू हो गया, इधर कीड़े ये कर रहे हैं, पूरे कीड़े ऐसी उसमें डाल रहे हैं। सर इस कॉस्टिंग कितना आया पूरा फार्म को इतना बनाने के लिए, फुल कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट पूरा इन्वेस्टमेंट? हाँ ₹3 लाख में पूरा इन्वेस्टमेंट में आपका ये पूरा हो गया ये फार्म। अच्छा खासा बनाया है इन्होंने, ऊपर में शेड डाला है अच्छे से, और नेट है ये मच्छर के लिए है, मच्छरदानी मॉस्किटो, तो ये मच्छर के लिए इन्होंने नेट भी रखा है यहाँ पे, मतलब कीड़ों को कुछ भी परेशानी ना हो। ये सिल्क बनाते हैं अच्छे से, ये अभी खाना खाते और इनका ये खाना होता है। इसको क्या बोलते, कौन सा पेड़ है ये? नहीं नाम ओके रेशमी सुप्पू ओके वेरी नाइस। फार्म है यहाँ पे, ये पूरा उनके लिए खाना उगा रहे हैं अच्छे से, ये फार्म में देख सकते हैं आप पूरा अच्छे से ये फार्म में खाना बना रहे हैं। ये इधर वेस्ट है क्या? प्रोसेसिंग, ये प्रोडक्शन यूनिट है इनका, देख सकते हैं यहाँ पे सिल्क बन रहा है ऑलरेडी, ये सिल्क प्रोडक्शन हो रहा है देख सकते हैं, सिल्क पूरा सिल्क का प्रोडक्शन अच्छे से बढ़िया से यहाँ पे हो रहा है देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह प्रोडक्शन हो रहा है। सेम इसी में अंडा भी आता है ना इसका, एक हाँ ये इसी ये बनाया सिल्क, इसमें अभी ये कर रहे हैं ये प्रोडक्शन, इसमें सिल्क बनते जाता है।
अच्छे से देख सकते हैं आप, प्रोडक्शन ऐसी कर रहे हैं ये, यहाँ पे देख सकते हैं इनका फार्म। ये घास मतलब ये इसके लिए खाना उगाते हैं ऐसे। ये कर्नाटका में है हम। ये प्रोडक्शन होने के बाद देखिए यहाँ पे सिल्क बन गया है, पूरा अच्छी तरह सिल्क बन गया है, बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे सिल्क रेडी है। अभी इसका रेट लगभग 600 रुपीस पर के जी। ये जो ये जब ये होने के बाद, ये प्रोडक्शन होने के बाद, इसको प्रोसेसिंग होने के बाद, निकालने के बाद 600 रुपीस पर के जी जाता है ये, मतलब 600 रुपये पर के जी ये सेल होता है मार्केट में, और अच्छा खासा बिजनेस है। खेती के लिए ये जोड़ बिजनेस अच्छा है, मतलब खेती में आप इस ये इसका भी पालन कर सकते हैं साथों साथ, मतलब एक जोड़ धंधा बिजनेस भी हो जाता है अच्छे से, बहुत अच्छे से होता है और अच्छी तरह मैनेजमेंट होता है, देख सकते हैं आप, वेरी नाइस। चलो वीडियो कैसी लगी हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब मारिए। ओह।